वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं पूजा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा पर्पल हॉल वीडियो। तो यहाँ पर डब्बा भर के मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे मेकअप के नहीं है, तो बहुत कम है मेकअप के और कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मैंने बाय किया है purplle.com से, तो वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और शेयर कीजिए सबके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स को मैं शेयर करने वाली हूँ उनका जो लिंक होगा वो होगा नीचे, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। तो मैंने यहाँ पर मेकअप में बाय किया है सिर्फ लिपस्टिक्स को। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लिपस्टिक है मेरे पास, तो ये सारे ही लिपस्टिक है NYB ब्रांड के, तो आप देख सकते हो। तो ये है NYB का प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक के रेंज में से मैंने यहाँ इसे बाय किया है। और यहाँ मेरे पास ऑलमोस्ट 2 या 3 शेड को छोड़ के मेरे पास सारे ही शेड्स है, तो वही मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं कुछ शेड्स को आप सबके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो जैसे कि ये वाला शेड, तो ये कुछ इस तरह का एक शेड है, एक न्यूड पिंक कलर का एक शेड है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इसका जो शेड नंबर है ये है 6। तो यहाँ पीछे लिखा हुआ होता है जो शेड नंबर होता है। तो देन मेरे पास इधर है एक शेड, ये है बॉनफायर 3। इसे मैंने शेयर किया है इससे पहले एक वीडियो में, तो वहाँ पर मैंने ये वाला लिपस्टिक को मैंने अप्लाई किया था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है शेड, ये पिंक कलर का एक शेड है। देन मेरे पास एक और शेड है, ये है एक पर्पल कलर का एक शेड है और इसका जो नंबर है ये है 9। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इनका जो फॉर्मूला है काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। तो उसके बाद मेरे पास जो शेड है ये है 7। तो ये कुछ इस तरह का एक बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक कलर का एक शेड है जो मेरे स्किन टोन के साथ बिल्कुल नहीं मैच कर जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर नंबर 2। तो ये कुछ इस तरह का है, एक डार्क पर्पल कलर का एक शेड है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे ऐसा कलर आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। देन मेरे पास है ये 15, जिसको मैंने इससे पहले भी मैंने शेयर किया है। तो ये कुछ इस तरह का एक ब्राउन कलर का शेड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसे यूज़ करना। मैं डेली इसे यूज़ करती हूँ कहीं पर अगर मैं जाती हूँ तो। देन मेरे पास है एक और शेड, ये है 8। तो इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने पैकेट को मैंने ओपन कर लिया है। तो ये है मरून कलर का शेड और इसका जो नंबर है ये है 8, तो कुछ इस तरह का है। देन मेरे पास और लास्ट मेरे पास 3 शेड्स है। तो ये है अगेन एक न्यूड कलर का एक शेड है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक शेड है। देन मेरे पास है एक और शेड, इसका नंबर है 5 और ये भी एक मतलब पिंक अंडरटोन में एक शेड है। और लास्ट में जो लिपस्टिक है मेरे पास ये है एक अगेन एक न्यूड पिंक कलर का है और इसका जो नंबर है ये है 14। तो लिपस्टिक में मतलब मेकअप में मेरे पास इतने ही प्रोडक्ट्स थे। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा स्किन केयर भी शेयर करूँगी। तो ये जो सारे जो लिपस्टिक्स थे उनका जो प्राइस था ये 220, या फिर कुछ लिपस्टिक है जिनका प्राइस है 240 रुपीज़। तो इसके बाद मैं जो शेयर करूँगी ये है कुछ फेस वॉशेस जो है बायोटिक ब्रांड का। तो फर्स्ट है ये बायोटिक का नीम फेस वॉश जो कुछ इस तरह का है। तो ये ट्यूब पैकेजिंग के साथ आता है, आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह का है। और इसका जो क्वांटिटी है ये है 50 ml। तो मैंने बस ट्राई करने के लिए काफ़ी सारे फेस वॉश मैंने ले लिया है, तो क्योंकि फुल साइज़ मैं नहीं लेना चाहती थी। तो इसका जो प्राइस है ये है 65 रुपीज़। देन मेरे पास है यहाँ पर ये बायोटिक का ये ऑयल कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश और ये है पाइनएप्पल का, तो कुछ इस तरह का है, तो कुछ इस तरह का है। और ये भी 50 ml का है और इसका प्राइस भी 65 रुपीज़ है। देन मेरे पास यहाँ पर ये बायोटिक का हनी जेल फोमिंग फेस वॉश, तो इसका भी प्राइस सेम ही होगा। यस, इसका भी प्राइस सेम है और क्वांटिटी भी सेम है। देन मेरे पास जो लास्ट फेस वॉश है ये है बायोटिक का बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, तो कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह का है। इसका जो क्वांटिटी है ये 100 ml और इसका जो प्राइस है ये है 120 रुपीज़। तो यहाँ पीछे लिखा हुआ होता है। तो इन्हें मैं ट्राई करूँगी और मैंने ट्राई करने के लिए ही मैंने लिया है। तो फेस वॉश खत्म हो गया है, तो अभी मैं शेयर करूंगी ये कुछ मॉइस्चराइजर मैंने लिया है, फेस मॉइस्चराइजर, और ये बायोटिक ब्रांड का है। तो फर्स्ट है ये बायो एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप। तो ये इसे मुझे ट्राई करना था, तो इसका छोटा वाला भी था लेकिन मैंने इसका फुल साइज लिया है, और इसका जो क्वांटिटी है ये है 190 ml, तो इधर लिखा हुआ है, और इसका जो प्राइस है ये है 280 रुपीज़, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे आप सबको मिल जाएगा काफ़ी कम दाम में। तो ये कुछ इस तरह का है, मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है, ये अभी पैक्ड है पूरा ही। तो ये मैंने लिया है फर्स्ट मॉइस्चराइजर में। देन सेकंड मैंने लिया है ये बायोटिक का बायो डैंडेलाइन विजिबली एजलेस सीरम। तो इससे पहले भी मैंने यूज़ किया है, जो मेरे पास है ये छोटा वाला है, तो ये रहा। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए मैंने इसका फुल साइज़ मैंने ले लिया है। तो ये भी 190 ml का है, और इसका जो प्राइस है ये है 690 रुपीज़, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में अगेन आप सबको मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का है, और ये भी पैक्ड है अभी, क्योंकि ये वाला अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, इसे यूज़ करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसका फुल साइज़ भी मुझे लेना चाहिए। तो इसके बाद मेरे पास और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो जो एक है ये है गुड वाइब्स का, तो ये है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। तो कुछ इस तरह का है, मैंने इसे अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है, तो इसे थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं, क्योंकि मुझे इसे यूज़ करने का काफ़ी ज़्यादा मन था। तो ये कुछ इस तरह का है, ओके, तब देख सकते हो ये क्लियर जेल है। वाव, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब वाटर बेस्ड है लगता है कुछ इस तरह का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये स्किन को स्मूथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है, और ये पूरा ही क्लियर जेल है ये। तो ये कुछ इस तरह का है, और इन्होंने थोड़ा सा पैकेजिंग को चेंज कर दिया है गुड वाइब्स का। तो इसका जो प्राइस है ये है 235 रुपीज़, और इसका जो क्वांटिटी है ये है इसका क्वांटिटी है शायद 100 ml, ये 100 ग्राम का है। तो ये है नेक्स्ट, और लास्ट पे मेरे पास है ये गुड वाइब्स का कोकोनट शैम्पू। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे इसे यूज़ करना। तो इनका एक और भी बड़ा साइज़ आता है, तो जो मुझे लेना था, लेकिन मैं इसे ही मैं ले पाई। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से स्कैल्प को ये अच्छे से ये क्लीन कर देता है, और हेयर को भी काफ़ी अच्छा एक नरिशमेंट देता है। तो इसका जो क्वान्टिटी है ये है 300 ml, तो इधर नीचे लिखा हुआ है, और इसका जो प्राइस है ये है 299 रुपीज़। तो इन्होंने थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट का गुड वाइब्स के। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप चाहो एक अच्छा शैम्पू जो आपके बालों को काफ़ी अच्छे से, स्कैल्प को अच्छे से ये क्लीन करे, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक और शैम्पू यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का, वो है केराटिन। तो गुड वाइब्स का ही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इन दोनों को मुझे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस इतना ही, बॉक्स पूरा खाली है। तो यही था आज का वीडियो। सो गाइज, आई होप कि मेरा ये छोटा सा पर्पल हॉल वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना एक लाइक, और शेयर कर देना सबके साथ। और मैंने यहाँ पर जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, अगर आप सबको पसंद आ रहा है, तो ये वाला वीडियो जल्दी आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और बेल बटन को भी हिट कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।